तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसे टिकटॉक पे शॉर्ट शॉर्ट या टी शर्ट का कलर चेंज करने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप प्रोफेशनल वीडियो आप बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। तो टिप्स नंबर वन, यह वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो का बैकग्राउंड जो है आपको एक कलर का होना चाहिए। टिप्स नंबर टू, जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है आप सिर्फ टी शर्ट पहने हो या फिर शॉर्ट पहने हो, इसका कलर जो है एक कलर का ही आपको होना चाहिए। टिप्स नंबर थ्री, जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या, सिंपल से एक एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक आपको सामने लाइट आपको होना चाहिए, और फेस पे लाइट ज़्यादा होना चाहिए और बैकग्राउंड में जो है आपको लाइट थोड़ा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी जो होगा काफ़ी बेहतरीन होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर अप्लीकेशन के लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं बताता हूँ इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले जरा भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कलर जो है वाइट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना सेकेंड का वीडियो है इसे आपको इस तरह से आपको बढ़ा देना है। तो लगभग वीडियो जो हमारा होता है 15 से 20 सेकेंड के आसपास होता है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते 20 सेकेंड के आसपास कर दिया हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे उस वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इस तरह से वीडियो के में जो भी लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यदि राइट साइड का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और इसे आपको यहाँ से जूम कर कर फुल साइज जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस तरह से आपको वीडियो में 5-7 पार्ट को डिवाइड कर देना है, प्ले स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कलर पे जाना है और जो भी कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सबको आपको अलग अलग कलर को आपको चेंज कर देना है। चलो फटाफट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलर लगभग यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसे आपको सिर्फ इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर कलर की पे जाना है और यहाँ पे आपको रेड सेलेक्ट कर लेना है। रेड इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि हम जो रेड कलर का जो है शॉर्ट पहना हो, यदि आप अदर कलर का शॉर्ट पहनेंगे तो आपको अदर कलर सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस कलर का आप शॉर्ट पहने होंगे वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपको यहाँ पर कलर की पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा जो है फेस पे भी कलर आ रहा है। तो वो फेस पे कलर जो आ रहा है उसको रिमूव करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, वीडियो क्लियर पे क्रोमाई के पे आना है और इस पर क्लिक कर देना है और इसके आपको इस तरह से ऊपर की तरफ इसे लेकर जाना है। जो है आपको जो शॉर्ट जो है आपको ब्लैक दिख रहा है और इसके बाद हमारा फेस जो है वाइट दिख रहा है, तो हमारा शॉर्ट जो है सिर्फ आपको ब्लैक दिखना चाहिए। इसके बाद डन कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आसान तरीक़ा से मैंने आपको शर्ट का कलर चेंज करके दिखा दिया। आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में अगर कलर हमारा चेंज हो तो सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपको बिल्कुल से इस तरह से छोटा कर देना है हर सबका। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको आप फिर से स्पीड टू प्ले हिट कर आप आराम बिल्कुल आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ से आपको कलर चेंज होगा शर्ट का। और इसके बाद आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए तो आपको सिंपल से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आइडियो आपको बाहर आ जाएगा। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, थ्री डॉट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट पे क्लिक कर देना है तो ये वीडियो आपको डिलीट हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं आइडियो भी नीचे आ चुका है। आपको करना क्या सिंपल, इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट का जो साउंड जो होता है आपको स्लो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे साउंड जो आपको स्लो नहीं होगा। तो इस तरह से चाहे तो आप कलर और 10 टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 3720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो जो है हमारा पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।